हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप गाइस। तो दोस्तों आज नए चीट कोर्स को जानेंगे जो कि वार कॉस्ट्यूम के चीट कोर्स रहेंगे। तो सबसे पहले नहा लेते हैं, उसके बाद बाहर निकलने के बाद हम लोग सूट के चीट कोड जानेंगे जो कि नया चीट कोड आया है, जो कि एक आया है आर्मी के चीट कोड, आर्मी बैग और आर्मी सूट का चीट कोड। सबसे पहले हम लोग गैलरी खोल लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी शर्ट बदल के देखते हैं कि आर्मी वाली है ये है कि नहीं। तो मैंने आर्मी वाली शर्ट ले ली है, जैकेट ले ली है। अब इसके बाद हम लोग दूसरी चीज़ें चेंज करेंगे। मैंने इसके बाद मास्क लगा लिया, इसके बाद और हम दूसरी चीज़ें हेयर बैंड भी चेंज कर लिया है, और अब हम बैग भी चेंज करेंगे। और हमें बैग जो है आर्मी वाला लेना है, हम आर्मी वाला बैग लेंगे, आर्मी वाला बैग लेंगे और तब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से। सबसे पहले मैं फिर से अब खोलता हूँ उसे, गैलरी खोलता हूँ और अब हम आर्मी वाला बैग लेंगे, आर्मी वाला बैग हम लेंगे। शर्ट भी मैं वही लूँगा आर्मी वाली। अब मैंने बैग भी आर्मी वाला ले लिया और अब हम दूसरी तरफ चलेंगे और देखेंगे कि और कौन सा नया चीट कोड आया है। तो दोस्तों अब हम घर में जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ पे क्या कोई नया चीट कोड यहाँ आया है कि नहीं। सबसे पहले जैसे कि आप पेंटिंग देख सकते हैं, ये पेंटिंग चेंज हुई है, ये दो नई पेंटिंग आई है, ये शेर वाली और ये एक्वेरियम वाली नई पेंटिंग आई है। तो दोस्तों अब हम दूसरी तरफ चलेंगे और देखेंगे कि बाहर कोई नया अपडेट आया है कि नहीं। तो जैसे कि देख सकते हैं ये बहुत ही सजेस्टिक अपडेट आया है, और हम बाहर निकलेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर कोई नया अपडेट आया है कि नहीं। सबसे पहले अब हम लोग अपने फ़ोन को निकालने के बाद डायनो को बुलाएंगे और उसी से आगे कहीं चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने अपने फ़ोन में डायल किया है 50-50, जिससे कि डायनो आ गया है। और अब हम डायनो पर बैठ के देखेंगे कि डायनो सही से चल रहा है कि नहीं। जैसे कि एक ग्लिच थी इसमें, सही से काम नहीं करता था डायनो। तो जैसे कि अब डायनो सही हो चुका है, इसमें सही से वर्क कर रहा है डायनो। तो दोस्तों जैसे कि आप भी देख सकते हैं डायनो सही से वर्क कर रहा है। अब हम दूसरे और डायनो को बुला के देखें कि और डायनो आ सकते हैं कि नहीं, ये एक साथ वर्क कर सकते हैं कि नहीं। तो जैसे कि मैं उतर गया हूँ, अब हम दूसरे डायनो को बुलाएंगे और देखेंगे कि मैंने डायनो को बुला लिया है। और अब हम डायनो पर बैठ के चेक करेंगे कि सब डायनो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, जैसा कि ये डायनो सही से काम कर रहे हैं। अब हम दूसरी तरफ चलेंगे और देखेंगे कि नया एक पुलिस का चीट कोड आया है जिसमें पुलिस को गोली असर नहीं करती। तो जैसे देखेंगे कि वो चीट कोड वर्क कर रहा है कि नहीं। जैसा कि ये आगे नहीं जा सकता, ये पानी में डायनासोर नहीं जा सकता है। जैसे कि मैं उतर गया हूँ, मैं अब दूसरे डायनासोर पर बैठूँगा, डायनो में बैठूँगा और देखूँगा कि ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले मैं इसको मारने का चेक करता हूँ, लेकिन मार नहीं सकता हूँ। जैसे कि आप इसकी आँखें नहीं देख लीजिए, एकदम खून से भरी हुई है। तो मैं अब डायनासोर पर बैठ गया हूँ, अब हम दूसरे तरफ चलेंगे, देखेंगे कि डायनासोर सही काम कर रहा है कि नहीं। जैसे कि देख सकते हैं कि डायनासोर सही से चल रहा है। जैसा कि मैं अपने इसे तेज़ी में चलाने की कोशिश करूँगा, देखूँगा कि जा रहा है कि नहीं। जैसा कि ये सही से नहीं काम कर रहा है डायनासोर। अब हम इसे उतरने के बाद दूसरी तरफ चलेंगे और देखेंगे कि पुलिस वाले अपडेट के बारे में जानेंगे, जो कि एक पुलिस वाला अपडेट आया है। और अब हम दूसरी तरफ चलेंगे और देखेंगे कि पुलिस वाले अपडेट को कैसे वर्क करना है। जैसे कि मैं अब आ गया हूँ, अब हम अपने फ़ोन को निकालेंगे और खोलेंगे। फ़ोन को निकालने के बाद उसे ओपन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा नया अपडेट आया है। इससे पहले मैं अपने फ़ोन को निकाल लिया, अब हम उसमें डायल करेंगे 9180 9180, जो कि अभी नहीं आया है, जो कि अभी ये चीट कोड नहीं आया है, जो कि ये स्पाइडरमैन का चीट कोड है, लेकिन ये मार्च तक आ जाएगा ये नया चीट कोड। लेकिन मैंने अभी एक लेडी को मार दिया। अब देखेंगे कि पुलिस का चीट कोड को जानने के लिए मुझे किसी को मारना पड़ेगा, तभी हम पुलिस को नए चीट कोड को जान के बारे में जान पाएंगे। जैसे कि मैंने अब मार दिया, थोड़ी देर में पुलिस आती होगी, जैसे पुलिस आ जाएगी तभी हम इस चीट कोड को एक्सेस कर पाएंगे। और देखिए जैसे कि पुलिस भी आ चुकी है, अब पुलिस चारों तरफ से राउंड लगा रही है और मुझे मारने के लिए राउंड लगा रही है। जैसे पुलिस के अंदर, पुलिस वाला अंदर बैठा है कार में, जैसा कि एक दो ही पुलिस वाले हैं। और आगे देखेंगे कि और कौन सा नया अपडेट आया है, जैसे कि मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अब हम दूसरी तरफ चलेंगे और दीवार फाड़ के अंदर हम चले जाएंगे, पुलिस की गोलियों से हम बच जाएँ। जैसे कि मैं अंदर आ गया हूँ, अब हम घर के अंदर जाएंगे, नहीं मैं घर के अंदर नहीं जाऊँगा, लेकिन अब हम बाहर निकलेंगे और बाहर की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि पुलिस वाला है कि अब चला गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं पुलिस वाला अभी ये कहीं और चला गया है। अब हम मैंने वैसे भी बंदूक ले लिया था मुझसे मारने के लिए, पुलिस वाला भी भाग रहा है। और अब हम दूसरी तरफ जाएंगे और देखेंगे कि हेलीकॉप्टर का नया चीट कोड आया है कि नहीं, हेलीकॉप्टर को सही से फ्लाई करने का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फिर हेलीकॉप्टर की तरफ हम जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर को ही इसी फील्ड पे हम लोग एक्टिवेट करेंगे। जैसा कि मैंने अपने सेनफोल को निकालने के बाद उसमें डायल किया 8008000, जैसे कि हेलीकॉप्टर आ गया है। और कार वाले ने मुझे
अटैच कर दिया है, मुझे धक्का दे दिया। जैसा कि अभी बहुत सारे हेलीकॉप्टर आ गए हैं और पुलिस वाला कार से निकलना है, पुलिस वाला अपनी कार से निकला है और मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि अभी देख सकते हैं पुलिस वाला मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मैं उसे मार रहा हूँ। लेकिन ये देख लीजिए, ये नया अपडेट आ गया है, ये पुलिस वाले को हम मार नहीं सकते हैं, वो हमें मार सकता है लेकिन हम उसे नहीं मार सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं हम उसके पास जाएंगे, वो लेकिन वो हमें मार देगा लेकिन हम उसे मार नहीं सकते। जैसे मैंने इतनी गोली उसे मारी लेकिन वो मर नहीं रहा है। अब हम उसके पास जाएंगे और देखेंगे कि वो हमें मार सकता है कि नहीं। जैसे कि आप भी देख सकते हैं वो मुझे मार सकता है लेकिन मेरी एनर्जी कम हो रही है, लेकिन उसकी एनर्जी नहीं कम हो रही है, वो हमें मार सकता है। जैसे कि इसी वजह से मैं उससे दूर भाग रहा हूँ जिसमें वो मुझे मार ना पाए। जैसे कि आप देख सकते हैं अब हम हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, और जैसे कि मैंने हेलीकॉप्टर का शोरूम बना दिया है, मैंने बहुत 100 हेलीकॉप्टर को कम से कम मैं इधर लाया हूँ और सब पीछे खड़े हुए हैं। जैसे कि मैं अब उड़ाकर चेक करता हूँ कि ये हेलीकॉप्टर के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, और अब हम दूसरी तरफ जाएंगे, दूसरी तरफ अपने घर की तरफ जाएंगे। देखेंगे कि ऊपर से हमारा घर कैसा लगता है, और हम ऊपर से कूदने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि हम मरते हैं कि नहीं उस पर से कूदने के बाद। जैसा कि मैं अब आ चुका हूँ अपने घर की तरफ, अब हम फिर से फ्लाई करके घर के ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि हम उसे कूदने के बाद मरते हैं कि नहीं। तो जैसा कि मैं ऊपर आ चुका हूँ, अब हम इसे कहीं सेफ जगह पर लैंड कराएंगे, और उस पर लैंड कराने के बाद हम इसे इसी चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं अब इसको ऊपर ले आया हूँ, अब हम इसे लैंड कराएंगे, तब हम इसे हेलीकॉप्टर से निकलने के बाद उसे कूदने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं हेलीकॉप्टर से निकल चुका हूँ, अब हम दौड़ के मैं जा रहा हूँ, और अब मैं अब कूदूँगा, देखेंगे कि हम डाई होते हैं कि नहीं, मरते हैं कि नहीं ये उसे कूदने के बाद। तो जैसा कि आप भी देख सकते हैं जैसे मैं बहुत तेज़ी से दौड़ रहा हूँ और मैं कूदने जा रहा हूँ, जैसा कि आप भी देख सकते हैं मैं कूदने जा रहा हूँ।